मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त डॉक्टर भाग्यश्री मोहन। हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ आपका पसंदीदा शो लेके। दोस्तों, हमारे शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हेड मास्टर कहा जाता है, और ये मास्टर जी जरा से भी बिगड़े तो बाकी ऑर्गन्स की खैर नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना, मैं ब्रेन के बारे में बात कर रही हूँ, जिसे मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगर ब्रेन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होता है, क्या इससे बचने का कोई उपाय है, और अगर अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या मरीज नॉर्मल जिंदगी बिता सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं जानती हूँ आपके जहन में ये और ऐसे कई सारे सवाल मौजूद है। आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मुंबई के जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर विश्वनाथन अय्यर, जिन्होंने न्यूरोसर्जरी में महारत हासिल करने के लिए फ्रांस और जापान सब एक कर दिया। आप ब्रेन और स्पाइन के जाने माने सर्जन हैं और स्ट्रोक के स्पेशलिस्ट। नमस्ते डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते, मुझे आपके शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि मैं सबको ब्रेन और स्पाइन के बारे में उचित इन्फॉर्मेशन दे सकूं। डॉक्टर साहब, आपके लिए सबसे पहला अहम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये ब्रेन जिसे हमने हेड मास्टर कहा है, ये काम कैसे करता है? अगर आप लोगों को आजकल की भाषा में समझाऊं, तो ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है। तो जैसे कंप्यूटर इनपुट को प्रोसेस करके सीपीयू में उसको आइडेंटिफाई करके आउटपुट देता है, उसी तरह ब्रेन भी सेंसेशंस को इनपुट में लेता है, जैसे टच, साइट, विजन, स्मेल, और सारे चीज़ों को प्रोसेस में करके आउटपुट देता है। जैसे हम वापस आपको जवाब देते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, हाथ पर हिलाते हैं, इसको आउटपुट कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से इनपुट्स हैं जिसकी वजह से आउटपुट में प्रॉब्लम आती है, मतलब ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है? हमारी कंट्री इंडिया में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है इन्फेक्शन, जैसे ब्रेन फीवर भी कहा जा सकता है, मेनिनजाइटिस जो हमारी मेडिकल भाषा में बोलते हैं। कोई भी बैक्टीरियल कारण या वायरल कारण के कारण ब्रेन में इन्फेक्शन जब स्प्रेड होता है, उसको ब्रेन फीवर बोलते हैं। और इंडिया में सबसे कॉमन इसका कारण है ट्यूबोक्लोसिस या टीबी, जिससे हम जाना जाता है। चेस्ट के अलावा ब्रेन में भी टीबी काफ़ी टाइम हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ब्रेन में कॉमन जो है, वो ब्लड सप्लाई के प्रॉब्लम की वजह से, मतलब हार्ट से जो ब्रेन को ब्लड पहुंचता है वो बराबर मात्रा में नहीं पहुंचता, इसकी वजह से ब्रेन के किसी पार्ट के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से पेशेंट को पैरालिसिस होता है। थर्ड कॉमन इनपुट का प्रॉब्लम होता है ब्रेन में ट्यूमर या गांठ का निर्माण होना या क्रिएट होना। अगर ब्रेन में ट्यूमर है, उसके वजह से भी ब्रेन के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से ब्लड नहीं पहुंचता ब्रेन की तरफ? नॉर्मली एजिंग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, एकदम ही आलसी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो आजकल हम लोग सब लोग जी रहे हैं, उसके कारण कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाते हैं गले के नसों में, और उसकी वजह से हार्ट से ब्रेन को बराबर ब्लड पहुंचता नहीं। और 85% केसेस में जब स्ट्रोक होता है तो ब्रेन के ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज के वजह से ये स्ट्रोक होता है। डॉक्टर साहब, ये जो कहते हैं स्ट्रोक आना या इसे ब्रेन अटैक कहते हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं? नहीं, मैं काफ़ी खुश हूँ कि आपने ब्रेन अटैक का यूज़ किया वर्ड, क्योंकि जिस तरह से हार्ट अटैक वर्ड यूज़ करने से हार्ट अटैक बहुत प्रसिद्ध हो गया और उसका अर्जेंट ट्रीटमेंट लोग करवाने लगे, उसी तरह हम भी चाहते हैं कि स्ट्रोक को स्ट्रोक ना कह के वो ब्रेन अटैक कहें, क्योंकि ये भी हार्ट अटैक की तरह ही या उससे थोड़ा ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, और ये ब्रेन के ब्लड सप्लाई में रुकावट की वजह से ब्रेन अटैक होता है। और क्या सिम्टम्स हैं इसके? कोई भी बॉडी के फंक्शनिंग में अगर अचानक प्रॉब्लम हो तो उसको स्ट्रोक माना जाता है, मतलब अचानक मेरा हाथ और पैर एक साथ का कमज़ोर हो गया, या अचानक मुझे दिखना बंद हो गया, या अचानक मेरे बैलेंस में तकलीफ हो गया। ये जो वर्ड है अचानक, ये इम्पॉर्टेंट है, अचानक कोई भी बॉडी के फंक्शनिंग में अगर प्रॉब्लम हो तो उसको स्ट्रोक ही माना जाना चाहिए। मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में अचानक से प्रॉब्लम हो तो वो ब्रेन से रिलेटेड? यस। डॉक्टर साहब, ये पैरालिसिस का अटैक और ब्रेन अटैक सेम ही है क्या? ब्रेन अटैक बीमारी का नाम है और पैरालिसिस उसका सिम्टम है। पैरालिसिस, लकवा, या मराठी में अर्धांगे वायु बोलते हैं, मीन्स हाफ ऑफ द बॉडी का फंक्शनिंग अगर रुक जाता है तो उसको पैरालिसिस बोलते हैं। तो इन इफेक्ट ब्रेन अटैक के वजह से पैरालिसिस पेशेंट को होता है। ओके, ये सिम्टम है। यस। और इससे मतलब अगर हो गया पैरालिसिस तो इसका कोई अर्जेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है? ब्रेन अटैक के नॉर्मली दो कारण रहते हैं। 85% केसेस में ब्रेन के ब्लड सप्लाई में रुकावट की वजह से ब्रेन अटैक होता है, और 15% केसेस में ब्रेन में ब्लीडिंग या कोई नस के फटने की वजह से जब ब्रेन में हेमरेज होता है तो उसके वजह से ब्रेन अटैक या पैरालिसिस होता है। और ट्रीटमेंट दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो फर्स्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्रेन अटैक के कोई भी पेशेंट्स को ऐसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए जहाँ पे सारे सुविधा या न्यूरो सर्विसेज अवेलेबल हो।
आप भी योगा करते हैं, पर क्या आप जानते हैं योगा कितने प्रकार के होते हैं? योगा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? योग के लिए कौन सा समय सबसे बेहतर होता है? आपको योगा के आसनों के बारे में तो मालूम है ना? योगा का कौन सा आसन किस रोग में विशेष लाभ देता है? सारी जानकारी आप किसी प्रसिद्ध योग गुरु की जुबानी पाना चाहते हैं ना? उसके लिए देखते रहिए वेलनेस चैनल। वेलनेस, आपका अपना फैमिली डॉक्टर। डॉक्टर साहब, जैसे हार्ट अटैक का अर्जेंट ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वैसे ब्रेन अटैक का भी है क्या? अगर है तो क्या है? ब्रेन अटैक के मरीजों को अगर अर्जेंटली कोई न्यूरो यूनिट में लिया जाए तो उनका अर्जेंट ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें होता है कि सीटी स्कैन या एमआरआई करके आइडेंटिफाई करना होता है कि ब्रेन के ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेज के वजह से स्ट्रोक हुआ है या हिमरेज के वजह से। और अगर ब्रेन के ब्लॉकेज के वजह से स्ट्रोक हुआ है तो नाउ देयर आर क्लॉट बस्टर्स, ऐसे इंजेक्शंस अवेलेबल हैं जो क्लॉट को ब्रेक कर सकते हैं और ब्रेन का ब्लड सप्लाई को फिर से हम लोग रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं। एक बार ब्रेन का ब्लड सप्लाई रीएस्टैब्लिश हो गया तो स्ट्रोक के सिम्टम्स विद इन मिनट्स रिवर्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि दिस हैज़ टू बी डन वेरी सून। हर मिनट ब्रेन का 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स मरते हैं अगर ब्लड सप्लाई बराबर पहुंचता नहीं है तो हर मिनट इंपॉर्टेंट है। और ब्रेन अटैक का ट्रीटमेंट जो अर्जेंटली अवेलेबल है वो मैक्सिमम 4.5 आवर्स के अंदर करना पड़ता है। ओके, और एक हेमरेज की बात कही आपने, आप दर्शकों को बता सकते वो क्या है? अगर बीपी पेशेंट्स का बहुत टाइम से या बहुत सालों से कंट्रोल में ना हो तो ब्रेन के नसें वीक हो जाती हैं और कभी कभी उसमें ब्लीडिंग होने की वजह से ब्रेन में हेमरेज होता है। अगर ब्रेन को हेमरेज है तो वो सीटी स्कैन या एमआरआई में ही उसका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है और उसके बाद उसका मेन ट्रीटमेंट होता है बीपी कंट्रोल इन अ प्रॉपर आईसीयू। हेमरेज का मतलब क्या? मतलब हेमरेज मतलब ब्लीडिंग? यस, हेमरेज मतलब ब्रेन के कोई नस के रप्चर होने की वजह से उस एरिया में ब्लीडिंग होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है ब्रेन अटैक के? लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन मींस बहुत सालों से हाई बीपी होना, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होना, फैमिली हिस्ट्री भी बहुत जरूरी है। अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में आपके पिताजी माताजी किसी को स्ट्रोक का हिस्ट्री हो तो आपका रिस्क थोड़ा बढ़ता है। देन इज लिपिड या कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी का, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अनकंट्रोल्ड हो तो उसके वजह से भी नसों में ब्लॉकेज होती है और वो भी रिस्क फैक्टर है। देन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आजकल के ज़माने में रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। यंग जनरेशन में काफ़ी स्मोकिंग होता है और जो स्ट्रोक हम लोग नॉर्मली 65-70 एज में देखते थे नाउडेज वी आर सीइंग, मतलब यंगर एज ग्रुप में भी स्ट्रोक हम लोग देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के क्या कारण है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे कॉमन कारण है डाइट पे न कंट्रोल रहना और एक्सरसाइज न करना, जंक फूड या फास्ट फूड जिसको कहा जाता है उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। लैक ऑफ एक्टिविटी मींस मिनिमम एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ डेली वॉकिंग भी अगर ना हो तो उसके वजह से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ते हैं। मतलब घूम फिर के हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे ही हर चीज़, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल आजकल बहुत ही कॉमन इशू है। बैक पेन, स्पाइन पेन, हेड स्ट्रोक, काफ़ी बीमारियों के मूल जड़ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही आता है। सर, ब्रेन अटैक से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर ब्रेन अटैक के हैं डायबिटीज़ और बीपी। नॉर्मली हम मरीजों में ये देखते हैं कि बीपी, हाई बीपी का एक बार डायग्नोसिस हो गया तो दवा खाना शुरू करते हैं, लेकिन बीपी को घड़ी घड़ी मेजरमेंट करके वो कंट्रोल में है क्या वो नहीं देखते। कुछ पेशेंट्स लोग अपने आप दवा बंद कर देते हैं और बीपी अगर बढ़ते गया तो उनको पता ही नहीं चलता कि बीपी बढ़ जाता है। डायबिटीज़ सबसे कॉमन या सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है और डायबिटीज़ और बीपी का नॉर्मली अगर ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो उसको बंद करना बहुत ही मुश्किल या नहीं बंद करना चाहिए। जब तक आप डॉक्टर की सलाह में हैं तो मेडिकेशंस कंटिन्यू करना चाहिए एंड एवरी रेगुलरली आपको डॉक्टर को विजिट करके डायबिटीज़ और बीपी दोनों कंट्रोल में है क्या ये जानना बहुत जरूरी है। ये ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए कोई सर्जरी भी होती है क्या? मतलब अगर ब्रेन स्ट्रोक आ गया तो उसे सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है? अर्जेंट अगर आप सर्जरी की बात करो सो नाउ वी हैव, मतलब टेक्निक आजकल इतने बढ़ गए हैं कि ब्रेन के कोई नस में अगर क्लॉट हो तो अर्जेंट विद इन 3-4 आवर्स उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। विद अ कैथेटर वी कैन गो, मतलब जो आर्टरी में ब्लॉक है उसके अंदर का क्लॉट को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं या निकाल सकते हैं ताकि ब्लड सप्लाई फिर से रीएस्टैब्लिश हो। अगर पेशेंट इस टाइम तक नहीं पहुंचा और ब्रेन में ऑलरेडी बहुत बड़ा पैरालिसिस या स्ट्रोक हो चुका तो कभी कभार हम लोग ब्रेन को या प्रेशर कम करने के लिए बोन निकालते हैं या डीकम्प्रेशन करते हैं। दैट इज़ एक्चुअली लाइक अ लाइफ सेविंग सर्जरी। एंड लॉन्ग टर्म अगर गले के कोई नस में ब्लॉकेज हो तो उसका सर्जिकली स्टेंट डाल के वो ब्लॉकेज को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं या मिटा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये ब्रेन सर्जरी एंड स्पाइन सर्जरी में रिस्क तो काफ़ी होंगे? विद द न्यू एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी मीन्स आजकल जो हम लोग मिनिमली इन्वेसिव ऑपरेशन करते हैं माइक्रोस्कोप से, एंडोस्कोप से या कभी कभार इंटरवेंशन जिसको बोलते हैं, नसों के अंदर से ही जाके ब्रेन के बीमारियों का इलाज करते हैं विदाउट हैविंग टू रियली, मतलब ब्रेन को या स्कल को ओपन किए बगैर ही ऑपरेशन आजकल होते हैं। तो आजकल के ज़माने में ब्रेन सर्जरी और स्पाइन सर्जरी का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो चुका है। मीन्स मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स अगर स्पाइन सर्जरी में आते हैं
तो विद इन टू डेज दे आर एबल टू गो बैक, मतलब चलते हुए घर जाते हैं। एंड ब्रेन ट्यूमर के लिए भी अगर ऑपरेशन होता है तो 3 या 4 दिन में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स घर जा पाते हैं। अगर पेशेंट बराबर टाइम पे इलाज कराता है बिफोर बीमारी बढ़ने के पहले, तो उसका आउटकम बहुत ही अच्छा होता है। जानते हैं हम तरह तरह की बीमारियों से क्यों घिरे रहते हैं? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है, हम प्रकृति से दूर हो चले हैं। जो प्रकृति सिर्फ 9 महीने में एक इंसान पैदा कर देती है, उसने इंसान के जीवन भर स्वस्थ रहने का भी प्रबंध किया है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। ये फल, साग, सब्जियाँ, मेवे, मसाले, दूध, दही किस लिए है? हवा, पानी, नींद प्रकृति के उपहार ही तो है। बस जरूरत है प्रकृति के करीब आने की। कैसे, हम बताएंगे। आप बस देखते रहिए वेलनेस चैनल, वेलनेस आपका अपना फैमिली डॉक्टर। डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर्स में एक कहावत फेमस है, डॉक्टर्स आर स्ट्रेस डिप्रेस्ड बट वेल ड्रेस्ड। तो ये स्ट्रेस, डिप्रेस एंड टेंशन कितना असर करता है हमारे ब्रेन के ऊपर? देखो, बॉम्बे की जिंदगी में या कोई भी एक्टिव लाइफ में स्ट्रेस को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रेस के साथ ही हमारा आउटपुट बढ़ता है, हमारे काम की एफिशिएंसी बढ़ती है। एट द सेम टाइम कंटिन्यूसली अगर हाई स्ट्रेस हो तो बॉडी का पल्स बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और क्रॉनिक मतलब लंबे टाइम तक अगर ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसके वजह से ब्रेन के नसों में प्रॉब्लम हो सकता है और कभी कभार ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो स्ट्रेस जरूरत है, लेकिन स्ट्रेस को एक लिमिट में कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी। कई फिल्मों में ऐसे दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट हो गया और याददाश्त चली गई, क्या ये असल जिंदगी में भी होता है? कोई भी तरह अगर मस्तिष्क में मार लगा इंजरी, एक्सीडेंट या किसी फॉल के वजह से, तो नॉर्मली पेशेंट्स कुछ आधे घंटे या कुछ वो एक्सीडेंट के पहले का हिस्सा ही भूल जाता है। ये पूरी जिंदगी का हिस्ट्री या पूरा भूल जाना ये बहुत बहुत रेयर केसेस में ही देखा जाता है। क्या इसे अल्जाइमर्स कहते हैं? इसको पोस्ट ट्रॉमेटिक एम्निजिया कहते हैं मेडिकल भाषा में। अल्जाइमर जो आप पूछ रहे हैं वो नॉर्मली ओल्ड एज में देखा जाता है। स्लोली पेशेंट का मेमोरी, बिहेवियर, फंक्शनिंग में फ़र्क पड़ता है और धीरे धीरे वो बहुत फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अल्जाइमर एक प्रोग्रेसिव ब्रेन का इशू है, जिसकी वजह से 3 मेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होता है। एक होता है प्रोग्रेसिव मेमोरी प्रॉब्लम, मतलब धीरे धीरे पेशेंट का मेमोरी कम होता है। सेकेंड, पेशेंट के बिहेवियर में चेंजेस, मीन्स खुद को संभालना, नहाना, कपड़े पहनना, पब्लिक में कैसे बिहेव करना, इसमें चेंजेस होता है। और थर्ड, फंक्शनिंग, खुद की ज़िंदगी को अच्छी तरह से संभालने में पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है। और ये धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है जो 10, 15, 20 साल में पेशेंट्स को कभी कभार पूरे डिपेंडेंट कर देती है फैमिली पे। क्या इसे वापस भी लाया जा सकता है पेशेंट को, मतलब पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है? नॉर्मली अल्जाइमर्स का कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट अभी तक तो नहीं है, हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च पूरी दुनिया में हो रही है। इसको हम लोग खाली स्टार्टिंग में ही इसको पकड़ा जाए तो थेरेपी, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अभी तक इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं। डॉक्टर साहब, और एक बीमारी है पार्किंसंस, जिसमें शरीर के अंग कांपते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। उसमें से एक केमिकल निर्माण होता है जिसको डोपामीन कहते हैं। धीरे धीरे जब डोपामीन का प्रमाण बॉडी में कम होता है तो पार्किंसंस के सिम्टम्स शुरू होते हैं। और पार्किंसंस के नॉर्मली 4 सिम्टम हैं, जैसे एक्टिविटी कम होना या बॉडी का मूवमेंट थोड़ा कम होना, दूसरा ट्रेमर जो नॉर्मली आम जनता आप देखते हो पेशेंट्स का हाथ हिलता है, थर्ड प्रॉब्लम होता है उसका रिजिडिटी, मींस आप पेशेंट्स को मूवमेंट करोगे तो पेशेंट एकदम टाइट लगेगा, उसका फेस को आप देखोगे तो फेस एकदम एक्सप्रेशनलेस या एकदम मास्क फेस जो बोलते हैं हम लोग, वैसा लगेगा। तो दीज आर द 3 कॉमन सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज। डॉक्टर साहब, ये अगर हो जाए तो क्या हम मरीज को नॉर्मल जिंदगी में वापस ला सकते हैं? पार्किंसन डिजीज के बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। रेगुलर फॉलोअप विद अ न्यूरोफिजिशियन और डोसेस के धीरे धीरे एडजस्टमेंट करने से नॉर्मल जिंदगी काफ़ी हद तक पेशेंट्स को हम लोग वापस दिला सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या सर्जरी से अल्जाइमर्स और पार्किंसंस का इलाज किया जा सकता है? अल्जाइमर्स डिजीज़ के लिए कोई भी सर्जरी अवेलेबल नहीं है, पर पार्किंसंस डिजीज़ के लिए सर्जरी अवेलेबल है। पर पार्किंसंस डिजीज़ का जो सर्जरी है वो पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट के फेलियर या कभी कभार मेडिकल ट्रीटमेंट के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होने पर ही उसको रिकमेंड किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो पार्किंसंस डिजीज़ के हैं उनका मेडिकल ट्रीटमेंट से ही इलाज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। और कितना सक्सेस रेट है सर्जरी का? अगर पेशेंट्स का सिलेक्शन बहुत बराबर तरीके से हुआ हो तो उसका सक्सेस रेट काफ़ी हाई है और पेशेंट वापस एक खुद के कंट्रोल लाइफस्टाइल में जा सकता है। और ये सर्जरी इंडिया में अवेलेबल है? ऑफ कोर्स, आजकल ब्रेन और स्पाइन का ऐसा कोई सर्जरी नहीं है जो इंडिया में अवेलेबल ना हो।
ये तो बहुत अच्छी बात बताई है आपने डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, आपका इतना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आए और हमारे साथ इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी आपने शेयर की। दर्शकों, आशा करती हूँ कि डॉक्टर साहब की दी हुई जानकारी आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल वेलनेस। नमस्ते।